हाय एवरीवन, वेलकम टू इन्फो वेन्यू। मेरा नाम है बास और इस वीडियो का टॉपिक है MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट आफ्टर MBBS। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने MBBS कर लिया या आप कर रहे हैं और आप MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने का सोच रहे हैं तो उसका स्कोप कैसा रहेगा, क्या आपके लिए MBBS के बाद MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर हम बात करें MBBS की, तो MBBS करने के बाद जो मोस्ट कॉमन ऑप्शन होता है जो लोग करते हैं, तो वो स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। तो यू कैन डू MD, यू कैन डू MS, DNB। बट अब रिसेंटली कुछ सालों से देखा जा रहा है कि जो मास्टर्स वाले कोर्सेज हैं, MBA कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज हैं विद स्पेशलाइजेशन इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इनकी भी डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है। और जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनकी जो रुचि है वो MHA की तरफ, MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज की तरफ भी आ रही है। तो अब आपको मैं यही हेल्प करूंगा बताने में कि अगर आप सोच रहे हैं ये वाला कोर्स करने के लिए तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आपको खुद ही चुनना पड़ेगा। अपने आप गोल्स देखिए कि MBBS के बाद आपका गोल क्या है। अगर आप कोई भी स्पेशलाइजेशन करने में जाना चाहते हैं या आपको कोर क्लिनिकल जॉब ही चाहिए, आपको पेशेंट्स को ट्रीट करना है या आपको कोई सर्जन बनना है, तो आपको आपके लिए बेस्ट होगा या तो आप MD कर लें, MS कर लें, DNB कर लें, मतलब आप स्पेशलाइजेशन में जाइए। अगर आप MBBS के बाद सोच रहे हैं कि आप मतलब जो कोर क्लिनिकल जॉब है उससे हटके थोड़ी जॉब्स ले लें, आप थोड़ी मैनेजमेंट में भी आपको जॉब्स मिल जाएं, तो आप जा सकते हैं MHA या MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ भी। और काफ़ी जॉब्स हॉस्पिटल्स में भी और गवर्नमेंट जॉब्स भी अब ऐसी निकलती हैं जिसके अंदर MBBS प्लस MHA की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जो ये MBBS प्लस MHA या आप कह सकते हैं MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो ये क्या होता है, एक ब्लेंड हो जाता है। जो मेडिकल होता है कोर्स, मेडिकल कोर्स होता है MBBS प्लस मैनेजमेंट कोर्स, तो उसका एक मिक्सचर की तरह होता है। तो आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें पता होती हैं, आपको मेडिकल की भी चीज़ें पता होती हैं, तो आपके पास एक तरह से एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि एक इंसान है जिसने सिर्फ MBBS कर रखा है और एक इंसान है जिसने MBBS प्लस MHA कर रखा है। तो अब देखिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मतलब तो आप किसी भी हॉस्पिटल में एज अ असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट आपको जॉब मिल सकती है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जॉब मिल सकती है। आप मैनेजमेंट में, मतलब जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस दूंगा कि जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, सो आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप फ्रॉम मेदांता हॉस्पिटल, सो वो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन में ही थी। तो आई वाज इंटर्न इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, वहाँ के जो फ्लोर मैनेजर थे मैं उनका इंटर्न था। तो जितने भी फ्लोर मैनेजर्स थे उन सबके जो मतलब ऑपरेशंस के हेड थे वहाँ, DGM जो थे वो भी MBBS थे प्लस MD थे प्लस उन्होंने MHA भी कर रखा था। तो वो जो थे वो मतलब कोर क्लिनिकल ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करते थे, बट वो पूरा जो ऑपरेशंस है, पूरा मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन को, जो पूरा हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे वो वही संभालते थे। तो आप देख सकते हैं कि आप इस जॉब पे भी कर सकते हो, या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार की जॉब्स होती हैं, या अगर आपके माइंड में कोई ऐसा प्लान है कि यार आप स्टार्टअप खोलना चाहते हो, कोई हेल्थ केयर स्टार्टअप खोलना चाहते हो, तो भी आपके लिए MHA या MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करना बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने मेड्डो सुना होगा। एक मेड्डो एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है, उसके जो वन ऑफ द को फाउंडर हैं वो एक डॉक्टर हैं और उन्होंने MBBS करा, उसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट के भी कोर्सेज किए, MBA किया। तो अगर आप कोई हेल्थ केयर स्टार्टअप खोलने का भी सोच रहे हैं तो तब आपको ये कोर्स हेल्प करेगा, क्योंकि आपको इसमें मार्केटिंग भी आती होगी, आपको हेल्थ केयर से रिलेटेड मतलब एक एज एन आप एंटरप्रेन्योर कैसे ग्रो करेंगे उसमें भी आपको ये कोर्स हेल्प कर सकता है। तो आपको डिसाइड करना है खुद ही, मतलब थोड़ा अपने आपको टाइम दीजिए, देखिए कि मतलब आपका फ्यूचर गोल क्या है। अगर क्लिनिकल जॉब में रहना तो बेस्ट है कि आप कोई भी स्पेशलाइजेशन चुन लो। आप MD कर सकते हो, आप MS कर सकते हो, या नहीं तो आप DNB कर सकते हो। और अगर आपने डिसाइड किया है कि यार अपना कुछ बिजनेस करना है, या आपको कोर क्लिनिकल जॉब में नहीं रहना, जिस तरह की मैंने आपको बताया, आपको ऑपरेशंस में, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह की जॉब्स होती हैं, कोई हेल्थ केयर स्टार्टअप खोलना है अपना,
या आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर सकते हो असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पर या MS के तौर पर। तो इस तरह की अगर आपको जॉब्स चाहिए, इस तरह की आपको करना है, तो आप MHA या MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हो। अब एक और मैं आपको ऑप्शन दूंगा जो कि आप MBBS के बाद MHA करने के बाद जा सकते हो। अब देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो MBBS करने के बाद मतलब प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते। तो व्हेन आई वाज डूइंग माय MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो मेरे एक जूनियर थे तो वो MBBS थे, बट उनका ये प्लान था कि मतलब वो उन्हें जो कोर क्लिनिकल है जॉब वो नहीं करनी, तो उन्होंने वो MBA कर रहे थे इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो ये भी होता है कि मतलब कि लोग बिल्कुल मतलब क्लिनिकल को छोड़कर इसमें आ जाते हैं। तो आपके पास एक ये भी ऑप्शन है कि आप MBBS के बाद ये वाला कोर्स करके MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट आप PhD भी कर सकते हो, PhD इन हेल्थ केयर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और आप उसके बाद एकेडमिक्स में आ सकते हो। हमारे एक प्रोफेसर थे, सॉरी हैं, तो उन्होंने भी MBBS किया था और वो उन्होंने मतलब काफ़ी साल एक एज अ मेडिकल ऑफिसर भी काम किया था, उन्होंने असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पे भी काम किया था उन्होंने, और फिर उन्होंने ये वाला कोर्स किया मास्टर्स का MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और इस कोर्स के बाद उन्होंने फिर PhD भी कर ली हेल्थ केयर मैनेजमेंट में ही, और अब वो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो यही सब कुछ ऑप्शंस हैं, तो अब आपको ही फाइनल चुन लेना है कि आपको MBBS के बाद MD MS DNB करना है, या आपको ये दूसरा वाला रास्ता अपना के मास्टर्स का MBA का अपना के आप ऑपरेशंस में आना चाहते हैं या अकेडमिक्स में जाना चाहते हैं या अपना कुछ स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। या अगर आप कोई अपना हॉस्पिटल भी खोलना चाहते हैं ना, तो भी आप ये MHA कोर्स कर सकते हैं, ये आपको मदद देगा आपके मतलब मैनेजमेंट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आप MBBS कर रहे हैं या कर चुके हैं या आप करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट पर लिखकर बताएं कि आपका क्या प्लान है, आप क्या सोचते हैं, जिससे कि और भी लोग जो इन कमेंट्स को पढ़ेंगे उन्हें भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।